हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं, यानी उनका बेसिक इंट्रोडक्शन, और हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, है ना। उसके बाद हमने करी थी एल्काइल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन, है ना। और वो प्रिपरेशन की हमने कुल मिला के 6 टेक्निक अभी तक पढ़ी है, कुल मिला के 5-6 टेक्निक पढ़ी है। वो ऐसी टेक्निक्स जो ऑलरेडी हमने पहले कवर कर ली है और जिनके बारे में हमको बहुत अच्छे से आइडिया है, तो आज हम करेंगे उसके आगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हाथ में रखिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पर रखिए बड़ी सी स्माइल, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, कि हम पुराने रिकैप के ना रिवीजन के लिए क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जैसे सपोज हमारे पास है एक एल्कीन, क्या है, एक एल्कीन है CH3CH2, ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। अब जो है अगर हम 40 पे एल्कोहल बने, तो एल्कोहल करने का क्या था, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करवा सकते थे, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवा सकते हैं, और आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे यानी कि BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरल THF और आप करवा रहे हो इसे H2O2 और आप करवा रहे हो इसे OH- बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ऐसा कुछ लिया है आपने, ठीक है, अब होगा क्या, सिंपल सी बात है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्गोनिक ऑसिल, कौन सा फॉलो होता है आपका, एंटी मार्गोनिक ऑसिल। और एडिशन किस टाइप का होता है आपका, एडिशन होता है आपका सिन एडिशन होता है, कौन सा एडिशन होता है आपका, सिन एडिशन होता है, यानी कि बनेगा क्या आपका CH2 इस जगह पर OH आके लगेगा, है ना, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, एंटी मार्गोनिक ऑसिल रूल फॉलो होगा, मार्गोनिक ऑसिल होता तो OH यहां जाके लगता और एंटी मार्गोनिक ऑसिल तो OH यहां आके लगेगा और हाइड्रोजन इस तरफ आके लगेगा। सीधी सी बात है, यहां कौन सा एडिशन हो रहा है आपका, सीन एडिशन हो रहा है, सीन एंड एंटी मार्गोनिक ऑफ्स, पहली बात तो आपका क्या हो रहा है, आपका सीन एडिशन होता है और दूसरी बात आपका एंटी मार्गोनिक ऑफ्स होता है, एंटी मार्गोनिक ऑफ्स, राइट, एंटी मार्गोनिक ऑफ्स, सीन एडिशन होता है और एंटी मार्गोनिक ऑफ्स एडिशन होता है, एंटी मार्गोनिक ऑफ्स रूल से फॉलो होता है, ठीक है। इसके बाद है ना, ये आपका बन गया क्या, एक अल्कोहल बन गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर इसको मैं मिटा दूं, सीन एंड एंटी मार्गोनिक ऑफ्स रूल से आपका एक अल्कोहल बना। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओ, है ना, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओ, पहले करवा रहे आप H+(KMnO4) में, तो किस तरह का अल्कोहल है आपका, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, क्या आपका प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा आपका, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, एल्डिहाइड पे नहीं रुक पाएगा, कहां तक जाएगा आपका, एसिड तक जाएगा और बनेगा आपका CH3CH2COOH बन जाएगा, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद अगर आपने करवाया, उसके बाद अगर आपने इसे करवाया PCC से, ठीक है, तो PCC क्या करता है, इसको रोक देता है कहां तक, एल्डिहाइड तक, तो होगा आपका CH3CH2CHO बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300°C करवाया होता तब भी आपका यही होता, राइट, CH3CH2CHO बन जाता, ठीक है। उसके अलावा और क्या करवा सकते हैं इसके साथ, अगर इसका रिएक्शन हमने PCl5 से करवाया होता, किससे करवाया होता, PCl5 से करवाया होता, तो PCl क्या करता है, एल्कोहल को अल्काइल एलाइड में कन्वर्ट करता है, है ना, PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 किसी से भी करवाते तो आप क्या होता आपका, ये इसको एल्काइल एलाइड में बदल देता, तो क्या होता आपका CH3CH2CH2 और यहां पर आता आपका Cl, आसान है काफी, राइट। अब देखो अगर इसी का आप करवाते, इसी का आप जो है रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी कि क्या आप OMDM करवाते हैं, HgOAC कवर ट्वाइस H2O और सेकंड आप लेते हैं NaBH4 और OH-, तो कुछ नहीं होता, इस केस में आपका होता एंटी एडिशन, क्या होता आपका एंटी एडिशन और मार्गोनिक ऑफ रूल, पहली बात तो क्या फॉलो करता आपका एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, और दूसरी बात क्या फॉलो करता है, मार्गोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है, क्या करता है आपका मार्गोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है, मार्गोनिक ऑसिल रूल फॉलो करता है और एंटी एडिशन होता है, बनेगा क्या आपका, बनेगा आपका CH3CH, यहां आएगा CH2, अगर OH इधर अटैच होगा तो हाइड्रोजन किधर अटैच होगा, इस तरफ अटैच होगा। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, अब आप चाहे KMnO4 ले लो, एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, या फिर आप PCC ले लो,
या फिर आप कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ले दो, आपको पता है क्या है सेकेंडरी अल्कोहल, क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था राइट, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या कर रहा था आपका एसिडिफाइड KMnO4 में प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदल रहा था, पीसीसी आपका एल्डिहाइड में बदल रहा था और आपका कॉपर रिप्रेजेंट साहब 300 एल्डिहाइड में बदल रहा था, लेकिन चूंकि अब आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल की औकात ही कीटोन तक होती है, अगर ऐसा नहीं है कि कीटोन जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन की हम बात करते हैं कि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता फर्दर, और हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता फर्दर, ऐसा हम बोलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता, अगर बहुत एक्सेस हाई टेम्परेचर होगा है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा हाई, तो वो भी ऑक्सीडाइज होंगे, कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, बहुत एक्सेस हाई टेम्परेचर हो गया का, तो कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल भी आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, अभी तो आप फिलहाल जानोगे नहीं होते, तो आपका क्या बन रहा है इसके थ्रू क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा, क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा, तो होगा क्या यहां पे आएगा आपका CH3CO और यहां पे आएगा CH3 और तीनों जगह यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका तीनों जगह यही बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो अगर इसका हमने कराया होता है SOCl2 या PCl5 के साथ, किसके साथ कराया होता है SOCl2 या PCl5 के साथ कराया होता तो क्या बनता है आपका इसके साथ या इसके साथ करवाते, तो आपका एल्कोहल हटता, OH ग्रुप हटता और क्या लग जाता आपका क्लोरीन लग जाता, OH ग्रुप हटता और क्या लग जाता आपका क्लोरीन लग जाता, तो उसको एडिटिव लिखेंगे हम CH3CH, यहां पे आएगा क्लोरीन, यहां पे आएगा आपका CH3 राइट, तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल लगाए बन गया, ठीक है। अच्छा यहां पे हमने कराया ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन, क्या करवाया हमने OMDM करवाया, क्या करवाया हमने OMDM करवाया, अगर हम यहीं पे जो है HGO एसिड न लेने की बजाय क्या लेते हैं आपका RH लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, याद आ रहा है इथर के प्रिपरेशन में हमने इसको किया था, हम यहां H2O ना लेकर के क्या लेते हैं RH लेते हैं, तो होता है एल्कोक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन, क्या होता है आपका एल्कोक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन, तो मान लो हमने यहां पहले लिया होता है HGOAC को होल ट्वाइस और यहां में लिया था ROH, ठीक है, और बाद में हम कराते इसका डीमर्क्युरेशन NaBH4 और OH-, तो जैसे सिंपल सी बात है वॉटर था तो OH जाके ऐड हो रहा था है ना, यहां एल्कोहल है तो क्या ऐड होगा आपका OR ऐड होगा, तो फाइनली जो यहां प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका CH3CH CH3 और यहां आ जाएगा आपका OR राइट, तो ये बन जाएगा यहां पे आपका इथर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहां पे आपको ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन था और यहां पे आपका एल्कोक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन, ठीक है, तो आप इसको एक बार याद रखें, ठीक है, इसको आप एक बार नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो होपफुली ये सारी रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि जैसे मान लो हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन पे अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन पे मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, तो चलिए देखते हैं किस बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर हमने कहा भाई कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है, क्या है आपका एक साइक्लोहेक्सेन है, अगर इसका रिएक्शन हम Cl2 से करवा रहे हैं, Br2 से करवा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ H2, सारे कार्बन एक जैसे हैं तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, मोनोक्लोरिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन करवाते तब भी चलता, तो यहां पर जाएगा आपका क्लोरीन राइट, ठीक है। अगर आप इसका फिर से करवा रहे हो सपोज एक्वस KOH के साथ करवा रहे हो, एक्वस KOH से करवा रहे हो तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा तो कैसा दिखेगा ये इस तरीके से दिखेगा राइट OH, फर्दर इसका हम करा रहे हैं डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं H+ इन प्रेजेंस ऑफ हीट करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन होगा तो आपका बनेगा साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। एक और तरीका था साइक्लोहेक्सीन बनाने का, यहां से क्या तरीका था कि हम क्या करते हैं यहां पे से डायरेक्टली अल्कोहलिक KOH से करवा देते, ये हमारा अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH से करवाते तो आपका क्या होता E2 होता, क्या होता आपका E2 होता और साइक्लोहेक्सीन बन जाता एज इट इज जैसा आपको दिख रहा है राइट। अभी बात होता ये जो बना है अगर इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NBS से, अब NBS का नाम आपने मोस्ट प्रोबेबली पहली बार सुना होगा, इसको हम कहते हैं ना N-bromosuccinimide, क्या कहते हैं आपका N-bromosuccinimide, स्ट्रक्चर में बना देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, NBS जो है ना उसका स्ट्रक्चर में आपको बना देता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होता है N-bromosuccinimide का स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है इसको लिख लेते हैं, ये क्या करता है एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवाता है, क्या करवाता है एलाइलिक पोजीशन पे, इसको नोट करेंगे सही से,
क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, बेंजाइलिक एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करवाता है, ब्रोमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है आपका, ब्रोमिनेशन करवाता है। इसके लिए यूज करते हैं एनबीएस को, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे किस लिए, ब्रोमिनेशन के लिए। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करवाता है, ब्रोमिनेशन करवाता है, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखेंगे एनबीएस का मतलब क्या है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन, कि जो भी आपका एलाइलिक पोजीशन है उस पर क्या आपका ब्रोमिनेशन। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो डबल बॉन्ड आपका कहां दिख रहा है, आपका डबल बॉन्ड यहां पे। इसके लिए एलाइलिक पोजीशन दो है, एक ये और एक ये, और दोनों पोजीशन क्या है आपकी आइडेंटिकल। तो ब्रोमिन आपके कहां लग जाएगा, आपका ब्रोमिन आपके यहां पे लग जाएगा, राइट। तो काफी आसान है मेरे हिसाब से, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। और हमारा है कि आगे हम कैसे प्रिपरेशन करें, ये तो हो गई क्वेश्चन क्वेश्चन की बात, आगे हम और क्वेश्चन करेंगे अगर लेक्चर में हमें टाइम बचेगा तो, कि आगे और कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रिपरेशन टेक्निक है एल्डिहाइड कीटोन का, वो है आपका कि अगर आप कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, आप क्या करते हो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, है ना। मतलब क्या हुआ, देखो कैसे बनता है, फ्रॉम फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट होता है उससे भी आपका क्या बन सकता है, एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है। कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं, तो पहले देखते हैं कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनेगा। तो बहुत बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हमारे पास एक एसिड है RCOOH, हमारे पास एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन हम बेस से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा दे रहे हैं। हमारे पास एक है एसिड और दूसरा है क्या, बेस, एक है एसिड और दूसरा हमारा क्या है, बेस। एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा, एसिड एंड बेस का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका, तब आपका बनेगा सिंपल सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो आपका सॉल्ट होगा वो क्या होगा आपका, यहां से आपका एच प्लस निकलेगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका आर सी ओ आर होल ट्वाइस, और यहां पे आ जाएगा आपका एच टू ओ, है ना, टू मॉलिक्यूल्स आप एच टू ओ आ जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, यानी कि जो आपका कैल्शियम सॉल्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, ये आपका सॉल्ट है। तो यहां देख लेते हैं किस तरह का दिखता है, तो अगर आप इसको बनाओ तो आपका होगा इस तरह का, देखिए आर सी ओ सी ओ आर, और यहां पे आएगा ओ ओ सी आर, इस तरह का हो गया, ठीक है। ये आपका क्या, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तो बिल्कुल सिंपल टेक्निक है आपकी, कुछ नहीं करना है आपको, बस कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देना है, हीट करके क्या निकलेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। तो चलो कैल्शियम कार्बोनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं, CaCO3 होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम यहां पे है ना, और यहां से CO2 और यहां से एक ऑक्सीजन, तो CaCO3 निकाल देना है। यहां से आपने क्या किया, CaCO3 निकाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया, CaCO3 निकाल दिया, और बचा क्या आपका, सिंपल RCOR बचा। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया, इसको हम पहले लिख लेते हैं, प्लस आपका क्या बना वो RCOR, तो वो आपका RCOR ये बन गया आपका, देखिए, ठीक है। तो ये मिला हम, नॉट इंपॉर्टेंट मेथड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप नॉट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। ऐसे तो आप रिएक्शन बहुत सारी देखोगे, मैं अभी बता दे रहा हूं कि रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा वो है जो एनसीईआरटी में हम पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत सारी रिएक्शन, हम ज्यादा क्यों पढ़ा देते हैं, बहुत सारी रिएक्शन इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि कहीं आप मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चन देखो या ऐसा कहीं देखो तो उससे घबराओ नहीं, लेकिन मोस्टली जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ज्यादा आते हैं, तो ये सब रिएक्शन हम पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन आपको बता देंगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया आपका, जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो है आपका ओजोनोलिसिस। क्या है आपका, ओजोनोलिसिस। अगर ओजोनोलिसिस का नाम सुनते ही आपको मालूम है कि ये किसकी रिएक्शन है, प्योरली हाइड्रोकार्बन सेक्टर की है, किसकी आपकी, हाइड्रोकार्बन सेक्टर की है, और अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। तो जो बच्चों ने अभी तक हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है यार, ये वाला जरूर पढ़ लेना पोर्शन। आई होप आप सब इतने तो ऑनेस्ट हैं कि अब तक आपने हाइड्रोकार्बन कवर कर लिया होगा, जिन बच्चों ने कवर नहीं किया था, लेकिन अगर नहीं किया है तो ओजोनोलिसिस तो जरूर कर लेना, क्योंकि ओजोनोलिसिस अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो ये, है ना, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट लिख लो, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
तो अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको जाके अलग से पढ़ लो एटलीस्ट, कि ये वाला पढ़ ले, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। ओजोनोलिसिस क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ओजोनोलिसिस के बाद क्या होता है आपका, ओजोनोलिसिस के बाद आपके एडेनिन कीटोन बनते हैं, ठीक है, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो ओजोनोलिसिस जाके आप पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर एडेनिन कीटोन बना रहे और हम बात अलादीन के चिराग की ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, राइट, तो ये ओजोनोलिसिस वाली बात पक्की हो जानी चाहिए, और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ ऑलरेडी तो उनको जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना चाहिए। असाइनमेंट में आपको ओजोनोलिसिस के खूब क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो बच्चे अच्छे से कवर किए उनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जिन बच्चों को दिक्कत आई हो प्लीज मुझे बताओ, फिर हम उस पर कुछ करते हैं, है ना, क्योंकि ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट बहुत है, बड़ा टॉपिक है, आधे घंटे का है, ठीक है, तो आप ढंग से इसको पढ़ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, अलादीन के चिराग से कैसे बनाएंगे, यानी फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजिन, है ना, तो होता कैसे है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजिन, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजिन, ग्रिगनार्ड रेजिन कैसे बनता है आपका, ग्रिगनार्ड रेजिन, ग्रिगनार्ड रेजिन से बनाने के तो ऐसे बहुत सारे तरीके है ना, इतने सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में आपको बताएंगे, जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें ग्रिगनार्ड रेजिन से एडिहाइड कीटोन बनाने के आपको बहुत और तरीके बताएंगे, लेकिन अभी जो हमको पढ़ना है ना, वो है हमारा कि नाइट्राइल्स के साथ, जैसे हमारा साइनाइड है, कोई मान लो आपके पास साइनाइड है आर डैश सी एन, ठीक है, इसको थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं, इस तरह से हमारा कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, साइनाइड या नाइट्राइल, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल या साइनाइड बोलते हैं, ये हमारा नाइट्राइल, ठीक है, तो नाइट्राइल का रिएक्शन है ना, अगर आप आर एन जी एक्स यानी ग्रिगनार्ड से करा रहे हो, अलादीन से करा रहे हो, तो होगा क्या, आप बताओ क्या होना चाहिए, देखो ये आपका क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में स्लाइटली निगेटिव चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज की जिंदगी में पॉजिटिव चार्ज की तलाश होती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा कहां, वो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा इसको यहाँ इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के जस्ट बगल में आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचू, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, बिल्कुल मैकेनिज्म से चलेंगे, तो ये जो आपका आर होगा वो अटैक करेगा कहां पे, यहां पे अटैक करेगा, राइट, तो आगे बनेगा क्या उसको देखते हैं, आगे हमारा बनेगा, दिख रहा है आपको, हाँ आगे हमारा बनेगा आर डैश, यहां पर आएगा आपका सी, और डबल बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपका इधर मूव करेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, जैसा आपका उसमें हो रहा था, ठीक है, ऑब्वियस बात है ना, कार्बन ने ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रखे हैं, एक इस आर के साथ और तीन यहां, नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह की रिएक्शन, यार देखो आर डैश सी ओ इस तरह का होता था, यहां पर आपको कुछ और लगा होता था, आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहां से अटैक करता था, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होता था, ऐसे ही होता था आपका एल्डिहाइड्स के साथ, ठीक है, कीटोन्स के साथ, तो यहां भी ऐसा ही होगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, तो देखो दिखने में कैसा होगा, देखो इस तरह का होगा, यहां पर जाएगा आपका आर, और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला ग्रुप जाकर लग जाएगा एन एम जी एक्स हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव, देखो किस तरह का दिख रहा है, इसको इधर बना लेते हैं, आर डैश यहां पर आएगा सी डबल बॉन्ड एन, और यहां पे लग जाएगा आपका MgX, और यहां पे जाएगा आपका R, बिल्कुल सिंपल है, हुआ क्या, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, इसके ऊपर आया निगेटिव चार्ज, यहां आया पॉजिटिव चार्ज, ये R आके यहां अटैच हुआ, और MgX जाके यहां अटैच हुआ, ठीक है, या आप इसको अगर आप ऐसे शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कि ओवरऑल हो क्या रहा है, हुआ ऐसा रहा कि आर सी एन है आपके पास, यहां है निगेटिव चार्ज, यहां है आपका पॉजिटिव चार्ज, और आपका आर MgX है, ठीक है, MgX के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके साथ कंबाइन हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये आसान है काफी, ठीक है, मुझे लगता है इसमें दिक्कत है, ऐसा बन जाएगा, एक बार खुद से कलम चला के देखिए हुआ क्या, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इसको रिपीट करके बता देता हूं कि क्या हुआ, ठीक है, हुआ ऐसा कि आपका जो है आर डैश सी एन था, देखिए इस तरह का था, ठीक है, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपका निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया, और आर जो था वो इसके ऊपर अटैक करके यहां लग गया, और जो इसका पॉजिटिव हिस्सा था वो यहां आके अटैच हो गया एनएमजीएक्स, तो ऐसा बना, तो ओवरऑल देखिए किस तरह का दिख रहा है आपको, ओवरऑल दिख रहा है ऐसा, इस तरह का आर डैश सी डबल बॉन्ड एन एमजीएक्स, और यहां पर आया आपका आर, राइट, अब करना कुछ नहीं है, अब देखो ये है किस तरह का, ये जो कंपाउंड है वो किस तरह का है, देखो आपका आर डैश यहां पे है सी डबल बॉन्ड एन आया एम जी एक्स, और यहां पे है आपका आर, अब इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करवाएंगे आपका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो कैसा होगा देखो, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे
तो देखो हाइड्रोलिसिस कैसे होती है आपकी, हाइड्रोलिसिस होती है आपकी H OH होती है ना। हाइड्रोलिसिस जब भी आपके बात हो तो आप देखते हो H प्लस और OH माइनस निकलता है, क्या निकलता है आपका H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा या कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है अभी भी। तो जब आप इसका हाइड्रेशन करवाओगे तो होगा क्या, होगा ऐसा कि H प्लस यहां जाकर अटैच होगा, OH माइनस यहां जाकर अटैच होगा, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे। चूंकि यहां दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो आपको दो वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहां पे आएगा आपका H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो होने क्या वाला है, फाइनली होने ऐसा वाला है कि जो आपका कार्बन है, देखिए आप यहां पे कार्बन है और यहां पे R है और यहां पे R डैश है, उस पर आके आपके दो OH लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे आपके दो OH लग जाएंगे, और इसको हमने ध्यान तो नहीं देना लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा हो जाएगा देखो N के ऊपर आपका दो नाइट्रोजन लग जाएगा और MgX ऑलरेडी यहां पे ऐसे MgX, तो ये बनेगा और ये बनेगा, बहुत आसान है। क्या हुआ, ओवरऑल हुआ ऐसा, इसको आप नोट कर लो, हुआ ऐसा कि देखो कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज था, नाइट्रोजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोलिसिस करवाया आपने तो H+ कौन ले जाएगा आपका, H+ ले जाएगा आपका जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, OH कौन लेके जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो दो OH आ गए इसके पास और दो हाइड्रोजन चले गए इसके पास। आपको पता है कि एक कंपाउंड के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर नहीं सॉरी, एक कार्बन के ऊपर दो OH के होते हैं अनस्टेबल, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और बन जाएगा फाइनली आपका R डैश COR। काफी आसान था, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं, और इसी मैकेनिज्म से अपने को क्वेश्चन लगाना है क्योंकि ये अपने को याद नहीं होगा अगर ऐसे करेंगे तो, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी के ऊपर सीधा सीधा। मेरे साथ साथ आप पूरा करते रहिए इसको, अगर याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, मतलब इसको आप अच्छे से सीक्वेंस बना के करें, काफी आसान है अगर आप सही से याद करते हैं तो। चलिए इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए एक बार। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए एक बार कि क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनना चाहिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है, होना क्या है, हम बिल्कुल ऑब्वियस ऑब्वियस स्टेप करने जा रहे हैं कि ये जो इथाइल है यहां पे ET- होगा, ऑब्वियस बात है यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर जाएगा। तो फाइनली होगा क्या आपका, होगा ऐसा कि यहां आएगा CH3, यहां आएगा आपका, यहां आएगा CH3, यहां आएगा C डबल बॉन्ड N, और N के ऊपर आके लग जाएगा MgBr, और यहां पे लग जाएगा आपका ET लग जाएगा, है ना, ET लग जाएगा, यानी कि इथाइल मॉलिक्यूल लग जाएगा आपका, इथाइल ग्रुप लग जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी। तो यार अब हाइड्रोलिसिस के बाद आपको पता है कि इसी पे दोनों OH आने हैं, इसी पे दोनों OH आएंगे, CH3 C OH OH, और यहां पर आएगा आपका इथाइल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहां से H2O निकालोगे और यहां पे लगा दोगे आप, क्या क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O,
इथाइल मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ब्यूटेन टू ऑन बन जाएगा, है ना, ब्यूटेन टू ऑन बन जाएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं तो ओवरऑल कर क्या रहे, ओवरऑल ऐसा हो रहा है कि भाई यहां पे आपका एटी है ना, ये पीएच आके यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ आएगा तो क्या आएगा आपका कार्बन, यहां पे जाएगा आपका पीएच, और फिर यहां पर आएगा आपका डबल बॉन्ड एन एम जी बी आर, फिर फाइनली वो क्या रहा है यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। अब वाला स्टेप मैं आपको ओमिट कर रहा हूं, आप खुद बताइएगा जो है कि आप खुद करके देखिए इसको, डबल बॉन्ड आएगा वो और यहां पर आएगा आपका पीएच, राइट। और कुछ नहीं, इसी कार्बन पे दो OH आएंगे और दोनों OH में से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ऐसा बन जाएगा, राइट। अब यार ऐसा है ना कि बहुत सारे बुक्स में आपको डायरेक्टली ऐसा मिलेगा कि यहां पे H2 लिख के यहां पे ऐसे काट देंगे, वो तरीका सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा है ना कि अलग अलग क्यों करना। अब हमको पता है ना कि हम अच्छे से करेंगे तो हमारा एक ही कार्बन पे दो OH आ जाएगा, है ना, और H2O मॉलिक्यूल निकाल के भी बना सकते हैं, तो हम अलग से क्यों रटने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना आपने, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे आपका आएगा, यहां पे इस तरीके से आपका पीएच आके यहां लग जाएगा, डबल बॉन्ड है यहां पे आपका पीएच लग जाएगा, यहां पे आएगा एम जी बी आर, और फिर फाइनली आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे इसका, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका पीएच डबल बॉन्ड ओ और यहां पे आ जाएगा पीएच, यानी बेंजोफिनोन बन गया। देखो यहां पे क्या बन गया आपका, बेंजोफिनोन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो यहां पे क्या बन के आएगा, आपको आना चाहिए यार, यहां पे बन के आएगा आपका एसिटोफिनोन बन के आएगा, क्या आएगा आपका एसिटोफिनोन आएगा, राइट। इसी तरीके से यहां देखो, यहां पे आएगा आपका एसीटोन आएगा, क्या आएगा आपका एसीटोन, क्या करके देखो आसान है काफी है। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम देखते हैं अभी तक हमने कीटोन कीटोन ही बनाया है ना, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ कीटोन कीटोन बनाया, है ना, एसीटोन है ना, बेंजो एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन ब्यूटेन टू ऑन है ना, प्रोपियोफिनोन, ये प्रोपियोफिनोन है ना आपका, तो अभी तक सिर्फ हमने कीटोन कीटोन बनाया इस मेथड से, नाइट्राइल्स के है ना, नाइट्राइल्स का जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा था तो उससे हमने क्या किया, सिर्फ कीटोन कीटोन बनाया अभी तक। एक बार एल्डिहाइड बना के देखते हैं, चलो शाबाश, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, अगर हम यहां पे HCN ले लें, क्या कर लें हम HCN ले लें और इसका क्या करा दें, ऑब्वियस सी बात है कि एल्डिहाइड बनाना, देखो सिंपल सी बात है कि क्या हो रहा है आपका, एक कार्बन तो आपका ये वाला है, एक कार्बन ये वाला है, ये कार्बन कौन सा वाला कार्बन है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लग रहा है, इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड लग रहा है, और आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कार्बन है वो इस साइड आ रहा है और दूसरे साइड भी आपका एक कार्बन यहां प्रेजेंट है, तो इस तरह से आपका क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो यहां पे अपने को HCN लेना ही पड़ेगा, HCN लोगे तो क्या होगा आपका, यहां पे आपका कोई भी RMGBR आएगा, RMGBR आएगा पहले और दूसरे पे आएगा आपका H3O+, तो क्या बनेगा आपका, यहां पे आएगा आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहां स्लाइटली पॉजिटिव, यहां आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, R इसके ऊपर अटैक करेगा आपका, फाइनली बनना क्या चाहिए आपका, फाइनली बनना ये चाहिए HCO और यहां पे R, एल्डिहाइड बन गया, ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया, राइट। यार आया क्या स्क्रीन के अंदर है क्या ये वाला पोर्शन, हाँ है ना, राइट। तो देखो आपका एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। तो क्या एल्डिहाइड बनाने का ये तरीका बढ़िया है, बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। क्यों गलत है, चलो बताओ क्यों गलत है, ये वाला तरीका ये बताइए कि क्यों गलत है। ऐसे लिखेंगे, अपने नोट नहीं किया है ना तो बहुत सारे बच्चे से कहते काफी सुंदर दिखने के लिए ऐसे काटते नहीं है, आप ऐसे बनाना और ऐसे काटना कि ये गलत है, और क्यों गलत है ये बताओ, चलो शाबाश। क्योंकि यहां पे जहां पे इस तरीके का था कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अगर आप HCN ले लो तो HCN इज एसिड, ऑल्दो इट इज अ वीक एसिड, लेकिन HCN क्या आपका एसिड है, वीक ही सही लेकिन ये क्या है, एसिड है, और यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, H+ निकलेगा, ये क्या आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, और क्या होगा आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो नोट करो अगर HCN का रिएक्शन, और अगर गलत हुआ था तो एक थप्पड़ ऐसे धीरे से मारो, गलत हुआ तो चलो ऐसे करो और ऐसे करना, ठीक है, एक थप्पड़ मारो अगर गलत हुआ था, धीरे से ही मारना यार, चलो। तो HCN है आपका, HCN का आपका एसिड है, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका, उसका अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने वाले हो तो आपका सिंपली सबसे पहले क्या बनेगा, आपका एल्केन बनेगा, RH बनेगा, राइट। यहां से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ये जो बेस काम करेगा और आपका ये जो एसिड काम करेगा और एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको आप नोट करो, इसको आप सबसे पहले आना है मुझे स्टैच्यू बोलो और इसको आप नोट करो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो,
मैंने बाय दिस मेथड नोट करके मैंने नोट डालो और लिखो बाय दिस मेथड ओनली कीटोन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड ओनली कीटोन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड ओनली कीटोन्स कैन बी फॉर्म्ड राइट तो ये आसान है। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो बहुत आसान है आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इससे भी तो आपका कीटोन बन जाता है तो वो मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत है। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑलरेडी कर लिया हमने, है ना। चलो उस पर हम तेजी से कुछ कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। अगला आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो बहुत आसान है, हमने पहले भी कर रखा है इसको। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे होगा, ऐसे कीटोन का निर्माण चलिए देखते हैं। कीटोन बनेगा आपका ऐसे सिंपल सी बात है, आपने बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग पे आपने कोई भी आपने आर सी ओ सी एल, चलो एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। अगर आप यहां पे सी एस थ्री सी ओ सी एल ले रहे हो ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका एनहाइड्रस एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में तो आपका यहां पे आ जाएगा सी ओ और सी एस थ्री, देखो एसिटोफिनोल बन गया। इस तरीके से आप बेंजोफिनोल प्रोपियोफिनोल को भी बना सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक तो आपको ऑलरेडी कवर्ड है ना, तो यहां पे लिख लो ऑलरेडी कवर्ड। अब मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत भी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। आप यहां पे सी सीओ सी एल लेने के बजाय और भी क्या ले सकते थे, आप एनहाइड्राइड भी ले सकते थे, क्या ले सकते थे एनहाइड्राइड ले सकते थे, क्या ले सकते थे आप सी एस थ्री सीओ ओ सीओ सी एस थ्री, अगर आप एनहाइड्राइड हो गए तब भी ये बनेगा आपका, ये आपका रिमूव होगा और ये ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा जैसे यहां पर आपका ये वाला ग्रुप अटैच होता था ठीक है, तो काफी आसान है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस, और ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है ठीक है। देखते हैं नेम रिएक्शंस क्या है। सबसे पहला आपका रोजनमंड, अगर इसको मैं तो रोजनमंड पढ़ता हूं, कुछ लोग रोजनमंड पढ़ते हैं, आपको जो पढ़ना आपकी चॉइस है ना, नाम में कुछ नहीं रखा, क्या नाम है इसका रोजनमंड, कुछ लोग रोजनमंड पढ़ते हैं कुछ लोग रोजनमंड पढ़ते हैं, अपन कभी मंड पढ़ लेंगे कभी मंड पढ़ लेंगे, नो इश्यूज। रोजनमंड रिएक्शन ठीक है, रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन क्या है आपका, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। आप सिंपल बात बताओ मुझे, अगर आप कोई एसिड क्लोराइड लो है ना, पहले आप रोजनमंड रिएक्शन से अलग आप इसको अलग करके नोट करना, आपने कोई एसिड क्लोराइड लिया होता जैसे RCOCl लिया, यहां पे आपका एसिड क्लोराइड है, अगर आप इसका किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते तो बनता क्या आपका, अगर आप इसका किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ले लिया, आपने कर लिया आपने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो आपका बनेगा अल्कोहल, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाता है और RCH2OH बन जाएगा आपका अल्कोहल बन जाएगा रिड्यूस होकर राइट, तो एसिड से अल्कोहल बन गया ठीक है। तो सिंपल सी एसिड क्लोराइड से, तो जाहिर सी बात है अगर आप चाह रहे हो कि यहां एल्डिहाइड बने, अगर आप चाह रहे हो कि यहां पे क्या बने आपका एल्डिहाइड बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा लेना पड़ेगा जो कंट्रोल्ड रिडक्शन करे, जो क्या करे कंट्रोल्ड रिडक्शन करे। तो अगर आप चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि RCOCl से RCOCl से आपका RCHO बन जाए, क्या बन जाए आपका RCHO बन जाए, RCOCl से आप चाह रहे हो कि RCHO बन जाए, तो आपको इसको कंट्रोल में करवाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ, हाइड्रोजन पैलेडियम तो लेना ही है लेकिन इसके साथ में इसकी एक्टिविटी कम करने के लिए, इसको पॉइजन देने के लिए है ना, एक पॉइजन ऐड करते हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को घटा देता है, उसका नाम आपका BSO4 बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट, ये क्या बेसिकली कैटालिटिक पॉइजन है, क्या आपका कैटालिटिक पॉइजन है, ये रिएक्टिविटी को घटा देता है, क्या आपका पॉइजन है। जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा आपका हाइड्रोकार्बन, उन्होंने इसको और जगह देखा होगा है ना, जब आप एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करवाते हो, एल्काइन से एल्कीन बनाते हो, क्या करते हो आप एल्काइन से एल्कीन बनाते हो, सिस फॉर्म बनता है इससे, क्या बनता है आपका सिस फॉर्म, और बल्क रिडक्शन से क्या बनता है ट्रांसफॉर्म, जो हाइड्रोकार्बन पड़े हो रिलेट कर पाए होंगे, अगर एल्काइन का हम H2PdBSO4 या H2PdCSCO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिस फॉर्म बनता है आपका है ना, एल्काइन से अगर वहां कुछ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है तो सिस फॉर्म बनेगा, और बल्क रिडक्शन के थ्रू क्या बनता है ट्रांसफॉर्म ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ाया प्लीज रिवाइज कर लो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिन हो गए है ना मुझे बोलते बोलते, आगे से तो मैं बोलूंगा नहीं कि हाइड्रोकार्बन पढ़ लो है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे से मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2-3 चैप्टर बीत गए तब से, अब तक तो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए राइट। चलो तो हम मान के चलेंगे कि आपने पढ़ा हुआ है ठीक है, तो एक आता आपका पॉइजन था, एक क्या करता है एक्टिविटी को कम कर देता है, एक क्या करता है रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ, रिड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ
एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम, हाइड्रोजन की एक्टिविटी को क्या कम कर देता है, कम कर देता है, और सिर्फ क्या बन पाता है, एल्डिहाइड बन पाता है। एल्कोहल तक बात पहुंचती नहीं है, देखो एसिड एसिड क्लोराइड, फिर आपका एल्डिहाइड, फिर आता है एल्कोहल, तो रिडक्शन है ना, रिड्यूस होकर वो एल्कोहल तक नहीं पहुंचता, कहां पर रुक जाता है आपका, यहां पर रुक जाता है। काफी आसान है ना, और इसको बोलते हैं हम, इस कैटलिस्ट का नाम होता है आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या नाम होता है इसका? लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। बहुत जगह इसको रोजेनमुंड कैटलिस्ट भी लिखते हैं, लेकिन इसका असली नाम क्या आपका? लिंडलार्स कैटलिस्ट है ना, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसको भी बोलते हैं, और आपका इसको भी बोलते हैं H2PdCSO3 भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? H2PdCSO3 कैल्शियम कार्बोनेट, H2PdCSO3 बेरियम सल्फेट, या आप यूज कर सकते हो H2PdCSO3। ठीक है, तो काफी आसान है यार, RCOCl रिप्रेजेंट्स आप H2PdBSO4 है ना, क्या बनाता है आपका? RCHO बनाता है। ठीक है, चलो देखेंगे, कुछ रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। CH3COCl इसका आप करवा रहे हो H2PD में, और करवा रहे हो, अब ये नेम रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन इसका नेम रिएक्शन है, कोई और एजेंट यूज नहीं कर सकते है ना, कोई और रीजन नहीं, क्योंकि वो जो नेम रिएक्शन होते हैं किसी ने किसी साइंटिस्ट ने दिया होता है, और उन्होंने जो भी रिएजेंट सजेस्ट किया होता है वही रिएजेंट नेम रिएक्शन में हम लिखते हैं। तो देखो बाकी सब जगह, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से ये कैसे बनाना है, मैं बोल दूंगा आपसे कि भाई RCOCl से RCHO कैसे बनाना है, तो उसके एन नंबर ऑफ मेथड हो सकते हैं, एन तरीके हो सकते हैं, है ना, हजार तरीके हैं बनाने के। लेकिन अगर आपसे मुझे रोजेनमुंड रिएक्शन लिखना है, तो आपको यही लिखना होगा विद रिएजेंट, सेम रिएजेंट आपको लिखना होगा, क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट ने दिया है, नेम रिएक्शन में आप अल्टर नहीं कर सकते, राइट। फिर आप यहां ले रहे हो H2PdBSO4, H2PdBSO4 ले रहे, ठीक है, इस तरह के से हम फिर करा रहे हैं आपका H2PD, और यहां पे ले रहे हैं आप H2PdBSO4, H2PdBSO4 यहां पे हम ले रहे हैं, मान लो आपका ETCOCl, फिर हम ले रहे हैं यहां पे H2PD, और नीचे ले रहे हैं H2PD, सपोज CSCO3 ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इन रिएक्शन को कंप्लीट करो एक बार। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सिंपल सी बात है, यहां पे नॉर्मल रिडक्शन हो रहा है ना, एसिड क्लोराइड का नॉर्मल रिडक्शन होगा, आपका एल्कोहल बनेगा, सिंपल सी बात है। यहां पर आएगा CH3CH2 और आ जाएगा OH। सिमिलरली यहां भी सिंपल रिडक्शन है, यहां पर आएगा आपका ये, और आएगा आपका CH2OH आ जाएगा। यहां भी आपका सिंपल रिडक्शन है, आएगा आपका ATCH2OH आ जाएगा, राइट। तो सिंपल रिडक्शन में तो हमने कुछ करना नहीं है, जहां पे सिर्फ H2PD दिया है, जहां पे पॉइजन प्रेजेंट नहीं है, वो तो आपका सिंपल रिडक्शन है। और एसिड क्लोराइड किसमें रिड्यूस हो जाएगा? आपका एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, राइट। COCl रिड्यूस हो रहा है आपका CH2OH में, COCl आपका CH2OH में, और COCl हो रहा है आपका CH2OH में, सिंपल रिडक्शन है, राइट। लेकिन जो सेकंड आपको हर जगह दिया H2PdBSO4, H2PdBSO4, H2PdCSO3, ये आपका रोजेनमुंड रिडक्शन है, और ये COCl को CHO में एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है आपका? एल्डिहाइड में। तो यहां पे सॉरी CH3CHO है ना, यहां पे बनेगा आपका CH3CHO, यहां पे बनेगा आपका ये आपका है CHO, और यहां पे बनेगा आपका ATCHO। तो ये काफी आसान है, और इस रिएक्शन से आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता, क्या बनता है? तो दिख भी रहा है, विजिबल भी है ना, ओनली फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशन, ओनली फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या हो रहा है आपका? सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशन ये मेथड। तो आप इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एक और नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट बहुत है, याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है, बहुत दिनों बाद भूल जाती है, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। अगला जो नेम रिएक्शन है वो इटार्ड रिएक्शन, क्या है आपका?
इटार्ड रिएक्शन। याद रखना है, नाम याद रखना है, नाम भूलने की गलती नहीं कर सकते हैं। इटार्ड रिएक्शन विच रिएजेंट याद रखना है। सबसे दुख की बात तो ये नेम रिएक्शन में रिएजेंट भी बदल नहीं सकते, राइट। सो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। इटार्ड रिएक्शन में होता है आपका सिंपल मिथाइल बेंजीन, टोल्युइन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, टोल्युइन बोलते हैं, टोल्युइन का रिएक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर टोल्युइन का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किया होता, अगर इसको किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किया होता तो यहां CH3 चेंज हो जाता किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि अगर हमने टोल्युइन का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ध्यान सुनिएगा, टोल्युइन का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यानी S+KMnO4 S+K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते, तो ये किस में चेंज हो जाता आपका, ये चेंज हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो इटार्ड ने क्या लिया था, इटार्ड ने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, उसको ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली यही है, क्योंकि इटार्ड रिएक्शन में यही वाला यूज होगा, तो आप नेम रिएक्शन में एजेंट नहीं बदल सकते। तो इन्होंने पहले रिएक्शन करवाई थी आपका, पहला रिएक्शन करवाई थी आपका CrO2Cl2 से, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, है ना, CrO2Cl2 से रिएक्शन करवाई थी। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है आपका, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। और फर्दर उसको जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है आपका, तब बन जाता है आपका एल्डिहाइड बन जाता है, क्या बन जाता है आपका एल्डिहाइड बन जाता है, क्या बनता है आपका बेंजल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। यानी कि आप इटार्ड रिएक्शन को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे ही लिखना चाहिए CH3 कि इसका आपने पहले रिएक्शन करवाया किससे, CrO2Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ आपका CrO2, इन प्रेजेंस ऑफ CH2। और फर्दर हमने किसका कराया आपका हाइड्रोलिसिस, पहले बना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद बना बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये चूंकि नेम रिएक्शन है तो रिएजेंट नहीं चेंज कर सकते, आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा। इटार्ड रिएक्शन पूछेगा तो आपको यही वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, राइट। तो ये आसान है काफी मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम बड़ा फनी सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही रोजनमंड, इटार्ड और गेटरमैन कोच, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि होता क्या है, फिर मैं आपको पीएच टेक्निक बताऊंगा इसको याद करने की, कैसे याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। याद रखें गेटरमैन नाम से बहुत रिएक्शन है, ये गेटरमैन कोच है, ठीक है। ये क्या आपका गेटरमैन कोच है, गेटरमैन कोच में क्या होता है आपका कि कुछ बच्चों को मैंने पहले भी ये रिएक्शन पढ़ा रखी है, जिनको मैंने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, हाइड्रोकार्बन में मैं ये रिएक्शन पढ़ा दिया था, लेकिन तब मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड की है। तो यहां पर देखने जा रहे हैं इसको कि होता क्या है, इसका रिएक्शन कराते हैं आप CO, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 HCl और COCl में, किसके प्रेजेंस में कराते हैं आप, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो तरीका देखते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इधर इधर देख लेते हैं कि आपका जो CO और HCl है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO/HCl रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका बन जाएगा सिंपल HCOCl, क्या बन जाएगा आपका HCOCl बन जाएगा। तो CO/HCl HCOCl बन गया, क्या बन गया आपका HCOCl बन गया, याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अब बहुत ऑब्वियस है कि अब आप इसका क्या करा सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा सकते हो। अगर एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा, तो होगा क्या, एनहाइड्रस AlCl3 ये वाला क्लोरीन लेके जाएगा और यहां पे बनेगा आपका SiVm-ion बन जाएगा। तो होगा क्या, यहां पे आपका ये ऐसा है और ये किस तरह से बन गया आपका COH, क्योंकि क्लोरीन यहां से निकल चुका है तो यहां आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह होगा, किसकी तरह होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह होगा। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और फाइनली बनेगा क्या आपका CO और यहां पे बन जाएगा एच। तो सिंपल था यार आपका। यार देखो हम क्या कर रहे थे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते थे,
अगर हमने CH3 COCl से रिएक्शन करवाया था तो ये वाला ग्रुप अटैच हो जाता था हमारा इसके ऊपर, ये वाला ग्रुप हमारा इसके ऊपर अटैच हो जाता था। गटरमैन कोच में क्या हो रहा है आपका, पहले आपका CO और HCl है तो ये बना रहा आपका HCOCl बना रहा है। फिर सिंपल फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन वाली स्टेप तो फॉलो करनी है, यहां से क्लोरीन हटेगा, ये वाला ग्रुप जाके यहां पे लग जाएगा। अब इसके लिए दो पीएस टेक्निक है, पहले तो कैसे याद रखेंगे कि यहां एल्डिहाइड बन रहा है, तो बहुत आसान है, कोच में सब कुछ है, कोच आपको जैसे सिखा देता है ना, तो यहां जो कोच है ना वो आपको सिखा देगा कि क्या बन रहा है। तो कोच देखो, इसमें जो एक्चुअल कोच है वो KOH KOCH है, तो ये जो कोच है उसमें क्या आ रहा है, CHO आ रहा है, क्या आ रहा है, CHO आ रहा है, यानी कि एल्डिहाइड प्रिपरेशन। देखो CHO आ रहा है कोच में, यानी कि यहां क्या हो रहा है आपका एल्डिहाइड प्रिपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एल्डिहाइड प्रिपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एल्डिहाइड प्रिपरेशन। पहली बात तो इस क्वेश्चन को बता देता है कि एल्डिहाइड प्रिपरेशन हो रहा है, पहली चीज तो हमारी यहां पर देखो CHO है तो उससे हो रहा है हमारा एल्डिहाइड प्रिपरेशन, इससे हमारा ये पता चलता है कि यहां एल्डिहाइड प्रिपरेशन हो रहा है। दूसरी बात है, अगर आप कोच को ऐसा ना लिख करके ऐसे लिख दो, देखो ऐसे लिखो तो उससे क्या मदद मिलेगी आपका, रिएजेंट याद करने में जाएंगे। यहां से आपको क्या मिल रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या मिल रहा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ए से क्या मिल रहा आपका एनहाइड्रस AlCl3, क्या मिल रहा आपका एनहाइड्रस AlCl3। तो पहला कोच जो हमारा था KOCH, वहां पे जो CHO वो बता रहा है कि एल्डिहाइड प्रिपरेशन हो रहा है, ये पीएच टेक्निक है, याद कर लो है ना, इसकी पीएच टेक्निक है। तो हुआ क्या, ये जो आपका CHO वो बता रहा है एल्डिहाइड बन रहा है, और यहां पे जो पीएच टेक्निक है वो आपको क्या बता रही है, वो बता रही है आपको पीएच टेक्निक, क्या बता रही है आपको कि भाई यहां पे जो COH है कोच है, CO से पता चला आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और A से आपको बता नाइट्रस AlCl3, और यहां जो C है देखो C है इसका मतलब COCl, और यहां पे जो H है उसका मतलब HCl, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको इस तरीके से, COCl2 में COCl, ठीक है, कोच CO से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, A से आपका नाइट्रस AlCl3, C से आपका COCl और H से आपका HCl, क्योंकि बहुत सारे रिएजेंट है तो COACH कोच, ठीक है, ये वाला कोच है ना, इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। एक बार टाइम देख लेते कितना हुआ, हाँ टाइम तो आज कम हुआ, अभी 50 मिनट हुआ, हम कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, है ना, आज थोड़ा जल्दी लेक्चर खत्म करेंगे और आज का जो टाइम बचेगा ना वो कल पे उधार रहेगा, है ना, नहीं ऐसा नहीं है यार, है ना, चलो ऑलरेडी मैंने आपको कभी कभी ज्यादा देर तक पढ़ा देता हूं, आप मुझे माफ कर देते, यही बड़ी बात है, नहीं चलो। तो आपका गटरमैन कोच, तो आपको याद रखना रोजन मुंड भी याद रखना, इटार्ड भी याद रखना, और गटरमैन कोच भी याद रखना आपको ढंग से, कहीं आप भूलने की गलती नहीं कर सकते किसी भी हालत में। चलो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बड़ी सी क्वेश्चन है ना, आज पेन एंड पेपर लेके बैठे हो, बिल्कुल एक्टिव होकर काम करते हैं। चलो साहब एक काम करते हैं, कंपाउंड लेते हैं CH3COOH, क्या लेते हैं आपका CH3COOH, इसका अपने को मेथेन बनाना है, कैसे हो सकता है थोड़ा सोचने की कोशिश करो, मेथेन बनाना, वैसे तो मैं यहां मेथेन से स्टार्ट करता हूं, है ना, आमतौर पर जब मैं कोई कंपाउंड बनाने जाता हूं बड़ा सा बोर्ड भरने के लिए तो यहां मेथेन से स्टार्ट करता हूं, लेकिन आज मैंने तो है ना एसिटिक एसिड से स्टार्ट किया, तो इसको मेथेन में कन्वर्ट करना है। चलो सवास बताओ क्या करना चाहिए, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा देना चाहिए, है ना, क्या करवा देना चाहिए, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा देना चाहिए, NaOH CO हीट एल्केन की प्रिपरेशन की ये पहली या दूसरी रिएक्शन है। आप देखो अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे एल्केन बनना था, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है NaOH/CO से हीट करवा रहा है तो यहां से CO2 गैस निकल जाती है और आपका मीथेन बन जाएगा, राइट। तो बात हमारी मीथेन तक आ गई, ये वाली रिएक्शन अगर आपको याद नहीं थी तो प्लीज रिवाइज करिए ढंग से, हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इस मेथड से हमने और भी बनाई थी चीजें, फिनॉल बनाया था, याद करने की कोशिश करो फिनॉल बनाया था, ठीक है। चलो तो ये हुआ आपका, याद नहीं आ रहा क्या फिनॉल कैसे बनाया था, ये आपने ऐसा लिया था देखो यहां पे OH और यहां पे COOH और इसका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन किया था NaOH/CO हीट, तो यहां से आपका CO2 गैस निकला था और फिनॉल बन गया था, राइट, याद आ रहा आपको, फिनॉल के प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया था, ऐसा बन गया था, ठीक है। तो देखो अब फिनाना मीथेन बन गया हमारे पास, मीथेन के साथ हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहां से और कोई तरीका सोच सकते हो क्या कि CH4 कैसे बना सकते हैं, यहां से और कोई तरीका समझ में आ रहा है CH4 बनाने का, मुझे तो आ रहा है, कैसे हो सकता है, अगर इसका बोरोडीन हंस डिकर करवा दें, हंस डिकर रिएक्शन याद आ रही है आपको, हंस डिकर रिएक्शन एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन की,
क्या कहता था कि अगर फैटी एसिड का हम सॉल्ट ले ले तो पहले तो हम सॉल्ट बना लेते हैं, AgOH के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे, यहाँ पे एसिड और बेस है तो दोनों मिलकर आप क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, CH3COH- और Ag+ बनाएंगे, राइट। तो आपने सॉल्ट अगर सिल्वर सॉल्ट ले लिया, आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, यहाँ पे हमारा क्या CH3COH, इसका हमने AgOH के साथ रिएक्शन करवाया है ना, तो आपका क्या बना, आपका ये बन गया CH3COH- Ag+। और आपको पता है इसका बोरोडीन एंड जिकर्स रिएक्शन याद करने को, इसके बोरोडीन एंड जिकर्स Br2CCl4H8 दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, तो आपका क्या होता था यहां CH3Br बन जाता था, याद करिए एक बार, आपको याद होना चाहिए CH3Br बन जाता था, ठीक है। और अगर आप CH3Br का रिडक्शन करवा दीजिए, LiAlH4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रिडक्शन एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, आपको क्या बनेगा, यहाँ पे मेथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, तो मेथेन यहां से भी बन रहा है आपका, ठीक है। फर्दर क्या करना है आपको, मेथेन आपके पास, मेथेन का आप करवाइए क्लोरीनेशन करवाइए, Cl2H2 करवा दीजिए, यहां क्या बन जाएगा आपका CH3Br बन जाएगा, ठीक है, CH3Cl बन जाएगा, सॉरी क्लोरोमेथेन बन जाएगा। अगर आप क्लोरोमेथेन का ऊर्जा रिएक्शन करवा रहे हो, NaC रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ इथर, तो आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा यहां पे CH3 इथेन बन जाएगा, ऊर्जा रिएक्शन होगी राइट, यहां क्या बनेगा आपका इथेन। इथेन का फर्दर अगर आप करवा दो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H में, तो आपका बनेगा इथाइल क्लोराइड, एक जगह आपको क्लोरीनेशन लग जाएगा, क्लोरीनेशन होगा, मोनोक्लोरीनेशन होगा, यहां आ जाएगा आपका इथाइल क्लोराइड राइट, क्या आ गया आपका इथाइल क्लोराइड आ गया, यहां आ गया आपका इथाइल क्लोराइड, ठीक है, एक ही जगह पे किसी पे होगा क्योंकि दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है। अगर इसका बेवड़ा QOS से करवा दो, किससे करवा दो, बेवड़ा QOS से करवा दो, एल्कोहलिक QOS से, एल्कोहलिक QOS से रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा आपका इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इथीन हो जाएगा, तो चलो देखते हैं इथीन को इधर ले आते हैं, इथीन हम यहां ले आए, ठीक है, इथीन हम यहां ले आए, इथीन काम करवा रहे हैं सपोज OSO4 से इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 या बेयर्स रिएजेंट से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं आपका बेयर्स रिएजेंट से करवा रहे हैं, यानी कि एल्कलाइन KMnO4 से करवा रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं एसिडिफाइड KMnO4 नहीं होता बेयर्स रिएजेंट, याद रखिएगा एल्कलाइन KMnO4 होता है बेयर्स रिएजेंट। तो अगर आप ऐसा करवा रहे हो तो होगा क्या, इसको मिटा ही लेते हैं, काम करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा देते हैं, चलो इसका आपने इससे करवाया तो आपको पता है कि दो जगह पे OH आके लग जाता है, डायोन्स बनाने का मेथड हुआ करता था कौन सा एडिशन, सिन एडिशन, कौन सा एडिशन, सिन एडिशन राइट, यहां पे आएगा आपका सिन एडिशन होगा, ऐसा बनेगा। अब देखो इसका अगर आप PCl5 से रिएक्शन करवाओ है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, यहां दोनों अलग अलग कार्बन पे OH है तो स्टेबल है, अगर आप PCl5 से करवा रहे हो या SOCl2 से करवा रहे हो तो होगा क्या, आपका दोनों पोजिशन पे क्या लग जाएगा, आपका क्लोरीन आके लग जाएगा राइट, दोनों पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन आके लग जाएगा यहां और यहां। अगर इसका रिएक्शन आप पहले करा रहे हो एल्कोहलिक QOS से, किससे करा रहे हो एल्कोहलिक QOS से, और बाद में करा रहे हो आप NaNH2 से, पहले आप करा रहे हो एल्कोहलिक QOS से, बाद में आप करा रहे हो NaNH2 से, तो होगा क्या आपका दो बार एलिमिनेशन हो जाएगा राइट, एल्कोहलिक QOS एक बार करवाएगा और NaNH2 एक बार करवाएगा, और फाइनली यहां क्या बनेगा आपका इथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका इथाइन बन जाएगा, एक आया आपका इथाइन आया। अब इथाइन मॉलिक्यूल का आप क्या करो, अगर आप ऐसे तीन इथाइन मॉलिक्यूल ले लो ठीक है, तो हमने बात कहां से स्टार्ट की थी, बात हमने स्टार्ट करी थी कार्बोक्सिलिक एसिड से, या कह सकते हो बात हमने स्टार्ट करी थी सबसे छोटे मॉलिक्यूल मेथेन से, हम लोग कहां तक पहुंच गए, इथाइन तक पहुंच गए। अब अगर तीन मॉलिक्यूल आप इथाइन के ले लो है ना, इसका आप कराओ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, क्या कराओ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होती थी, रेड हॉट आयरन ट्यूब में होती थी, कहां होती थी आपकी रेड हॉट, कॉपर या आयरन ट्यूब कुछ भी ले लो आप, दोनों में से कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब करवा लो, तो क्या बनता था आपका बेंजीन बनता था, क्या बनता था बेंजीन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनता था आपका बेंजीन बन जाता था, ठीक है। आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन आप करवाया, मान लीजिए आपने करवाया HCl/CO और यहां करवा आपने नाइट्रस AlCl3 और क्या लिया आपने साथ में CuCl लिया, ठीक है, कौन सी रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, क्या बनेगा आपका गेटरमैन कोच के बाद, क्या बनेगा आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन होगी और बनेगा आपका फाइनली
यहाँ पर आ जाएगा बेंजल डाइहाइड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने बना लिया इतना बड़ा मॉलिक्यूल, मेथेन से स्टार्ट किया था हमने, बिल्कुल मेथेन से स्टार्ट करके हमने क्या बना लिया, बेंजल डाइहाइड बना लिया। चलो और देखते हैं, अगर हमने इसी बेंजीन को क्या किया होता, इसी बेंजीन का रिएक्शन हमने पता करा था CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से करवाया था। यही से देख लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां से लिख रहा हूं, आप यहीं से लिखना। अगर इसी बेंजीन का रिएक्शन आपने CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करवाया होता तो मिथाइल आके यहां सब्स्टिट्यूट हो जाता और क्या बोलता है टोलुइन बनता। अब इसका इटायड करवा दो, इटायड करवा दो, इटायड क्या था आपका, पहले आप करवा थे CrO2Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और बाद में करवाना आपका H3O+ से, बनेगा क्या आपका, बनेगा आपका बेंजल डाइहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल डाइहाइड होगा, फिर बेंजल डाइहाइड बन गया। ठीक है, तो काफी आसान तरीका है करने का, आपके दोनों जगह क्या बन गया, बेंजल डाइहाइड बन गया, राइट। तो हमने मेथेन से स्टार्ट किया और कहां पे खत्म किया आपका, बेंजल डाइहाइड पे खत्म किया। ठीक है, तो आप इसको नोट करो आप एक बार, फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बेंजीन से स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेंजीन से स्टार्ट करते हैं कि भाई बेंजीन से है ना, बेंजीन से अपने को बनाना है बेंजल डाइहाइड बनाना है, अपने को क्या करना है, गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज नहीं करनी, थोड़ी लंबे पाथ से चलनी, बेंजीन स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन से स्टार्ट किया आपने, बेंजीन का रिएक्शन हमने करवाया सपोज इससे करवा दिया, क्या से करवाया, CH3CH2CH2Cl से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करवाया, यहां पे क्या बनेगा आपका, क्यूमीन बनेगा, क्या बनेगा आपका, क्यूमीन बनेगा, याद आ रहा है ये, राइट। कैसे क्यूमीन बनेगा, पहले क्या आपको कटाना, आपको यहां आके लगेगा, देखिए CH3CH2CH2 यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होकर वहां जाएगा CH पॉजिटिव चार्ज CH और यहां पे आएगा CH3, राइट। और ये आके आगे जाएगा, क्या बनेगा आपका, क्यूमीन बन जाएगा। अब क्यूमीन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक रिएक्शन तो आती होगी, कौन सी वाली, फिनॉल बनाने वाले। आप इसका पहले करवाओ O2HNO से करवाते हो एयर में, तो क्या बन जाता है आपका, इस तरह कंपाउंड बन जाता है COOH और यहां पे आएगा आपका CH3 और यहां पे आएगा आपका CH3। बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद एक तो आपको मिलता है फिनॉल, क्या मिलता है आपको, फिनॉल, और दूसरा मिलता है आपको एसीटोन बनता है, क्या मिलता है आपको, एसीटोन मिलता है। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवा दो, किससे करवा दो आप, जिंक डस्ट से करवा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। अब बेंजीन को आप फिर वही कहानी कि अगर आपने इसका रिएक्शन COHCl से करवा रहा था इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर COCl के, तो क्या बनता है आपका, CHO बन जाता, बेंजल डाइहाइड बन जाता। या इसका आपने फ्रीडल एल्केलाइजेशन करवा रहा था, पहले करा था CH3CL फिर करा था आपने एनहाइड्रस AlCl3, क्या आपका बनता, टोलुइन बनता, क्या बनता आपका, टोलुइन बन जाता। और टोलुइन का आप इटायड रिएक्शन करवाते, इटायड रिएक्शन कैसे होती है आपकी, इटायड रिएक्शन होती है आपकी, पहले करवाते हो CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, फिर आप करवाते हो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और आपके यहां आ जाता आपका बेंजल डाइहाइड आ जाता है, क्या आ जाता आपका, बेंजल डाइहाइड आ जाता है। तो इस तरीके से आप खुद भी घर पे, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा डेली लेक्चर देखने के बाद आप खुद से ऐसे खूब रिएक्शन सीक्वेंस किया करें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू टिल यहां तक, एक बार जब हम पूरा कर लेंगे ना अगेन, फिर तो अल्टीमेट घूमता ही है ना। अभी तो बहुत सारी रिएक्शन मैंने नहीं पढ़ाई है तो मेरे दिमाग में आती है बट मुझे रुकना पड़ जाता है, अल्टीमेट मजा आएगा एक बार ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो, आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे जब हम एक बार ये करना स्टार्ट करेंगे ना तो रुकेंगे नहीं, है ना। और तब तक अगर कुछ हमारा हो पाया जिससे हमारा लाइव इंटरेक्शन हो पाए, जिससे आपसे डायरेक्टली बातचीत हो पाए, तो मजा ही आ जाएगा। इस समय से अल्टीमेट मजा आता है जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, खूब सारी रिएक्शन होंगी एक साथ, हम 2-2, 3-3, 4-4, 100-500 रिएक्शन भी लिख सकते हैं इस तरह की, ठीक है। बस अब आप मदद करोगे, थोड़ी हम मदद करेंगे, एक साथ सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाती है, अलग से ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कल बता रहा था कि ये बनाने का क्या तरीका है, ये वाला बायोएसिडिक कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ये वो फलाना ढेकड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस तरह से लिखना स्टार्ट करो, देखो सारी चीजें रिवाइज हो जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से। तो ठीक है गाइस, आज का लेक्चर आज के लिए इतना ही, स्टार्ट करेंगे बाकी कल। अच्छे से अपना काम करें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, टेक केयर, टाटा बाय बाय।